दिल्ली और मोदी। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने आज एक ट्वीट किया जिससे मैं दंग रह गया। पहले उनकी ट्वीट्स पढ़ते हैं अंग्रेजी में, फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा और फिर सवाल पूछूंगा मोदी सरकार से। पहली ट्वीट मनीष सिसोदिया की, I was invited to speak about Delhi education reforms at World Education Conference, Moscow. I was supposed to leave tonight, but it's unfortunate that Government of India has not given permission. It's pending under process for last 10 days. Dusri tweet. Delhi's education reforms has been getting international press coverage in past few months. It's unfortunate that PM Modi doesn't want this to reach international platforms. Sir, Delhi is also part of India. If our schools get international recognition, it is a matter of pride for India. मनीष सिसोदिया ने आज मॉस्को जाना था एक वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए। उनकी अर्जी भारत सरकार के सामने 10 दिन के लिए पड़ी थी, लेकिन आज रात को जब उन्होंने जाना था, आज सुबह भारत सरकार ने अपनी परमिशन देने के लिए उनको मना कर दिया। मनीष सिसोदिया कहते हैं, मोदी जी, दिल्ली भारत का ही पार्ट है और हमारी एजुकेशन प्रणाली सिस्टम जो दिल्ली में हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं एट्सेट्रा, ये इसको वैसे ही इंटरनेशनल कवरेज मिल रही है। अगर हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मैं जाता तो और कवरेज मिलती, क्यों मोदी सरकार ने मुझे परमिशन नहीं दी? मोदी जी, मेरा आपसे एक सवाल मनीष सिसोदिया के इस एपिसोड के बाद, दिल्ली में बैठ के दिल्ली की सरकार के इतना, मतलब इतनी एनिमोसिटी क्यों है, इतना रंजिश क्यों है आपकी? अगर आप इतने ही टॉल लीडर होते ना, इतने ही बड़े लीडर होते, तो आप अलग अलग पार्टीज को, उनके अलग अलग सिस्टम्स को जो अच्छे चल रहे हैं, इनकरेज करते। मुझे समझ में नहीं आता आपको किस बात का डर है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है आपको कि आप 2019 के इलेक्शन में वापस आओगे, इसीलिए आप 2022 के वादे करते रहते हो, तो आप डेमोक्रेसी में हो ना मोदी जी? किस बात के डर से आपने मनीष सिसोदिया को परमिशन नहीं दी? मैं जनता के बिहाफ पे चलो ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं उसके बारे में आवाज़ उठाता हूँ, जो गलत लगता है उसके बारे में आवाज़ उठाता हूँ। दर्शकों, अगर आपको भी लगता है कि ये भारत सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठाया जो आपको भी उतना ही अचंभित कर रहा है जितना मुझे कर रहा है, वीडियो आपके सामने है, देख रहे हैं आप, YouTube लिंक लीजिए, हर जगह पोस्ट कीजिए, क्योंकि डर के सरकार नहीं चलाई जाती, सरकार इज्जत से और गर्व से चलाई जाती है। और भारत एक डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी तो अभी नहीं हुई। जय जनता, ठोकिए इस वीडियो को।